सब गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे 8.1.3 वाला क्वेस्ट, मतलब कि चैप्टर 1 एंड क्वेस्ट नंबर 3। तो ये वाले पाथ के ऊपर ना मेरे को दो बार जो है रिपीट करना पड़ा जस्ट बिकॉज मेरे को मतलब मैंने जो है नोट्स ठीक से पढ़े नहीं थे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि भाई एक जो नोट था जहाँ पर हमको बफ्स को एक्चुअली नलीफाई नहीं करना है, तो मैंने उल्टा समझ लिया था कि बफ अगर आप नलीफाई करते हो तो सामने वाले अपोनेंट को आप 200% ज़्यादा डैमेज करोगे। बट इसका टोटली उल्टा है कि अगर हम लोग बफ्स नलीफाई करते हैं तो हमको जो है 200% ज़्यादा डैमेज लेना पड़ेगा। एंड देन फिर यहाँ पर अपोनेंट के ऊपर जो नोड्स है वो मतलब बेसिकली अग्रेसिव रहेगा। रेज 1.5 है, कॉम्बो पार्टी है फ्रॉम माई डेड कोल्ड हैंड्स है, एंड देन फिर जूक है। जूक का क्या मतलब है कि अगर आप 5 हिट का कॉम्बो करते हो, मतलब कि मीडियम ट्रिपल लाइट मीडियम एंड देन फिर अगेन मीडियम ट्रिपल लाइट मीडियम करोगे ना तो आपको एक फ्यूरी मिलेगी एंड तुरंत ही चली जाएगी क्योंकि आपने सेम टाइप के कॉम्बो यूज़ किया। बट उसकी जगह पे अगर आप मीडियम ट्रिपल लाइट मीडियम एंड देन फिर मीडियम 4 बार लाइट यूज़ करते हो तो आपको नेक्स्ट एक और फ्यूरी मिलेगी, मैक्सिमम ऐसे जो है 10 तक जा सकते हो। बट अगेन ये आपको नहीं करना है, जस्ट आपको नॉर्मल जो भी अटैक यूज़ करते हो जस्ट वो यूज़ करो एंड आपको जो है जितना हो सके उतना आपका अटैक कम रखना है क्योंकि यहाँ पर रेंज 1.5 है, जिसका मतलब कि जैसे ही आप सामने वाले अपोनेंट के हेल्थ का 1.5% जितना ज़्यादा डैमेज करते हो तो उसको एक फ्यूरी मिलेगी। एंड जैसे ही वो फ्यूरी जो है टोटल 5 तक बिल्डअप हो जाती है तो एक पॉइंट पर जाके सामने वाला अपोनेंट जो है टोटली अनब्लॉकेबल हो जाएगा। जैसे कि अभी वुल्वरिन के ऊपर देखोगे ना तो वो उसको 2 फ्यूरीज मिले क्योंकि दो अटैक्स जो है मैंने किए जो ह्यूमन टॉर्च के साथ वो एक क्या कहते हैं लिमिट के ऊपर मैंने कर दिए थे। मैंने जो है बहुत ज़्यादा अटैक किया था, तो अगेन जैसे ही वो 2 की जगह पे 5 हो जाएगा तो वुल्वरिन जो है टोटली अनब्लॉकेबल हो जाएगा एंड डेफिनेटली वो हमको होने नहीं देना है। एंड अगेन एक और नोड है जो हमारी अटैक इंक्रीज मतलब अटैक तो इंक्रीज़ नहीं करता बट ये जो कॉम्बो पार्टी वाला नोड है वो क्या करता है कि हमारे क्रिटिकल रेटिंग बढ़ा देता है। मतलब कि हम लोग जो ये क्रिट करते हैं ना तो येलो कलर का नंबर होता है, तो मेरे पास जितने ज़्यादा क्रूल्टी बफ होंगे ना तो वो डिपेंड करेगा कि मेरा जो बहुत बड़ा क्रिटिकल हिट का नंबर है जो येलो नंबर है वो कितना बड़ा होगा, वो डिपेंड करेगा कि मेरे पास कितने ज़्यादा बफ्स है। अगर मेरे पास ज़्यादा बफ्स होंगे जैसे कि अभी 7 है तो एक पॉइंट पे जाके अभी यहाँ पर कहीं पर मैं 2 अटैक भी करता हूँ ना, 2 या 3 अटैक करता हूँ तो वो मेरे को ट्रिगर ही करवा देते हैं। देख सकते हो 4th वाला एंड 5th वाला वो अनब्लॉकेबल ही हो गया था, बट लकीली एकदम उसकी लास्ट वाली ही हेल्थ बची थी तो ज़्यादा मेरे को दिक्कत नहीं है कि भाई चलो उसको फिनिश ऑफ कर दें, तो वो एक है। एंड देन फिर बात आती है कि हमको कौन से चैंपियंस यूज़ करने, मतलब किस टाइप के चैंपियंस हमको इस वाले पाथ के लिए इजी रहेंगे। तो बेसिकली डैमेज ओवर टाइम वाले डिबफ्स अप्लाई करते हैं ना चैंपियंस तो वैसे लेके जाओ, जैसे कि निक फ्यूरी हो गया, ह्यूमन टॉर्च हो गया, मैसेकर हो गया एंड देन फिर इमॉर्टल अबॉमिनेशन हो गया, तो वो वाले चैंपियंस आप डेफिनेटली लेके जा सकते हो क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा हिट नहीं करते एंड उनका मेनली सारा का सारा डैमेज आता है ये डिबफ्स के थ्रू, जैसे कि आर्क एंजल, सनस्पॉट, केबल हो गया एंड देन फिर बिशप हो गया, तो ये लोग भी बहुत सारे डिबफ्स अप्लाई करते हैं एंड देन फिर आप उनका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। बट अगेन आर्क एंजल के साथ थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि आपको जो है आपका हिट जो है बहुत ही बड़ा ना हो क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आर्क एंजल की वजह से आप बहुत ही बड़ा हिट करो। बट अगेन आर्क एंजल का फ़ायदा भी है क्योंकि वो न्यूरोटॉक्सिन डिबफ अप्लाई करेगा एंड देन फिर आप टोटली नोड्स को शट डाउन कर दोगे तो वो भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो वो एक तरीका है कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ डैमेज ओवर टाइम वाले डिबफ्स अप्लाई करने वाले चैंपियन लेके जाओ। दूसरे दो ऑप्शंस ऐसे है कि भाई मतलब दो नहीं एक ऑप्शन है कि आप बफ्स को नलीफाई करो बिना नलीफाई किए, तो वो कैसे पॉसिबल है? सो बेसिकली आपको जो है न्यूट्रलाइज पैसिव अप्लाई करने वाले चैंपियंस है वो लेके जा सकते हो। जैसे कि जितना मेरे को मालूम है अपने पूरे के पूरे गेम में समथिंग 200-250 जितने चैंपियंस हैं उसमें से 3 ही है जो न्यूट्रलाइज पैसिव अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है रिंत्रा है, विकेन है एंड देन फिर टाइग्रा है। तो ये 3 चैंपियंस है जिसकी वजह से क्या है कि वो अगर न्यूट्रलाइज पैसिव अप्लाई करें ना तो बस ट्रिगर ही नहीं होंगे, ठीक है। तो एंड ऑन टॉप ऑफ दैट काफ़ी अच्छी बात यह है कि उसको नलीफाई जैसा काउंट नहीं होता वो, तो जिसका मतलब कि हम लोग कंटिन्यूसली डैमेज करते जाएंगे एंड जितना बड़ा हिट हमको करना हो तो वो डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं बिना किसी जो है प्रॉब्लम में आए। तो डेफिनेटली वैसे वाले चैंपियंस भी आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास रिंत्रा एंड वीकेन दोनों ने ये है तो ऑफकोर्स मेरा डिफॉल्ट ऑप्शन रहेगा कि मैं टाइग्रा को यूज़ करूँ एंड इसके बाद वाली फाइट है तो एक्जैक्टली वही वाली फाइट में हम लोग देखेंगे कि भाई कितनी यूज़फुल रहेगी एंड कितनी नहीं स्पेसिफिकली मेरे लिए, क्योंकि टाइग्रा अगेन थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकती है क्योंकि आपको भी सीखना आना चाहिए, मतलब खेलना आना चाहिए टाइग्रा के साथ, उसको कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रिकी रहेगा।
बट अगेन जैसे कि यहाँ पर अपोनेंट्स अग्रेसिव है ना, तो टाइग्रा के लिए बहुत ही मस्त जो है ये ऑप्शन है कि भाई वो यहाँ पर खेल सके एंड वगैरह वगैरह मेनली। बट यहाँ पर उसके अलावा दूसरे मिस्टिक चैम्पियंस जो है काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो हो सकता है कहीं से भी आपको नलीफाई कर दे एंड नलीफाई की वजह से बेकार में आपको 200% जो है ज़्यादा डैमेज लेना पड़े। तो जस्ट मेक श्योर करो कि आप ज़्यादा मिस्टिक चैम्पियंस ना लेके आओ, उसकी जगह पे दूसरे जो है डैमेज ओवर टाइम वाले डीबफ्स है तो वो लेके जा सकते हो, डेफिनेटली उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि हाइपीरियन हो गया, वो भी काफ़ी अच्छा खासा चैम्पियन है जो बहुत सारे डीबफ्स अप्लाई करता है अपने SP1 के थ्रू, तो वैसे वाले चैंपियंस लेके जा सकते हो। एंड देन फिर टेक क्लास में देखें ना, तो टेक क्लास में भी नेबुला है, जो नेबुला क्या करती है कि अपने ऊपर शॉक्स बिल्डअप करती है एंड देन फिर उनको ही उन सारे के सारे शॉक्स को SP2 के थ्रू बहुत बड़ा डैमेज करेगी, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड देन फिर अभी के लिए जो क्या कहते हैं सिल्वर सेंचुरियन है, अगर आपके पास है तो डेफिनेटली उसको भी यूज़ कर सकते हो। एंड देन शायद जो है यहाँ पर ओमेगा सेंटिनल काम करेंगी, बट मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे पास है नहीं, मैंने ट्राई करके नहीं देखी, तो वो थोड़ी बहुत ट्रिकी हो सकती है। एंड जैसे कि मैंने म्यूटेंट में बताया था कि आर्क एंजल वगैरह वगैरह वो वाले चैंपियंस भी यूज़फुल हो सकते हैं, बट उसमें एक जस्ट ट्रिकी चीज़ है कि अगर आप सनस्पॉट यूज़ करते हो ना, तो ऐसा हो सकता है कि उसका स्पेशल अटैक जो है बहुत ही बड़ा हिट करे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हिट हार्ड हिट करता है। तो जस्ट मेक श्योर करना कि आप स्पेशल अटैक यूज़ कर रहे हो तो वो वाला स्पेशल अटैक सामने वाले अपोनेंट को फिनिश ही करने वाला हो, तो आप उसका जो है फ़ायदा उठा सकते हो। एंड अगेन टाइग्रा भाई बहुत ही अच्छा खासा डैमेज कर रही है, क्योंकि नॉन स्टॉप डैमेज कर रही है, सामने वाला अपोनेंट अग्रेसिव है, तो हम लोग बिना किसी रुके सामने वाले अपोनेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई सामने वाला अपोनेंट क्या अटैक यूज़ करेगा क्या नहीं। एंड इस वाले पॉइंट पर देख सकते हो मेरे पास कि 3 ना वो जूक वाली फ्यूरीज है, बट कहीं पर ना ऐसा हो जाता है कि मैं भूल जाता हूँ कि मेरे को नेक्स्ट वाला अटैक कौन सा करना है, जिसकी वजह से मेरे को एक्स्ट्रा अटैक रेटिंग मिले। एंड यहाँ पर तुरंत ही मेरे फ्यूरी सारी की सारी चली जाती है, मैं बोला छोड़ो अभी कोई नहीं, अभी फाइट अभी जस्ट ख़त्म ही हुई है तो उसको फिनिश ही कर देते हैं। एंड मेरे को डेफिनेटली ना ये वाली टाइग्रा को मेरे को रैंक 3 पर लेके जाना है, बट दिक्कत ये है कि मेरे को उसको अवेकन करना है। अगर अवेकन कर देता हूँ ना तो इसमें ये क्या रहेगा कि भाई टाइग्रा और डायरेक्टली जो दोनों के दोनों फेजेस उसके ऑन द स्पॉट एक्टिवेट कर देगी, ना ही मेरे को 2 बार SP1 यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर टाइग्रा को उसको फुल्ली यूटिलाइज करना हो तो। एंड उसके बाद वाले जो 3 अपोनेंट्स हैं ना वो थोड़े बहुत ट्रिकी है। सबसे पहली तो यहाँ पर ये क्वेक है, अभी क्वेक ट्रिकी इसलिए क्योंकि अगर आप उसको हैवी बेट करने जाओगे तो डेफिनेटली वो कंकशन डिबफ अप्लाई करेगी ये वो, तो जस्ट मैं उसके लिए निक फ्यूरी ही लेके आया, क्योंकि वैसे भी निक फ्यूरी के पास बहुत सारा डैमेज है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उसके पास 2 लाइफ्स है एंड जो कि हमको हमेशा कहीं पर भी जो है जाके बचा सकती है। एंड लकीली इस वाली फाइट में मैं हर जगह पे जो है अपने क्या कहते हैं क्विक के SP1 जो है कंटिन्यूसली इवेट कर रहा था, जो कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने जो है क्विक के साथ फाइट नहीं की है एंड सेकेंड चीज़ क्विक के सामने भी फाइट नहीं की है, तो मेरे को थोड़े बहुत ये हो रहा था कि शायद मेरे को डैमेज लेना पड़ सकता है, बट लकीली मेरे को डैमेज लेने की जो है ज़रूरत पड़ी नहीं। एंड देन फिर हम लोग कंटिन्यूसली हिट कर रहे हैं उसको, अगेन देख सकते हो जस्ट मैंने अभी तक उसको एक ही फ्यूरी दी है कि इसको क्वेक को, एंड देख सकते हो मेरे पास अगेन ऊपर उसने ये पैसिव वाला डीबफ अप्लाई कर दिया, आई मीन पैसिव क्या ये जो कंकशन डीबफ है उससे मेरे को थोड़ा बहुत डैमेज लेना पड़ेगा ये जो आफ्टर शॉक वाला है, बट वो इतना नहीं रहेगा कि भाई मेरे को जो है बहुत दिक्कत दे। बट अगेन निक फ्यूरी के साथ भी अगर आप SP1 या तो फिर SP2 लॉन्च करोगे तो मेनली SP2, तो हो सकता है कि आपके सारे के सारे हिट्स जो है वो फ्यूरी बफ ट्रिगर करें। जैसे कि देख सकते हो अभी क्विक के ऊपर 3 थे 4 थे, अभी तो पूरी टोटली अनब्लॉकेबल भी हो चुकी है, तो अगेन मेरे को यहाँ पर थोड़ा बहुत श्योरिटी के साथ खेलना पड़ेगा कि भाई मेरे अटैक्स जो है उसको फिनिश ऑफ ही करते, मतलब मेरे को ज़्यादा डैमेज ना लेना पड़े। ऑलराइट, उसके बाद और 2 चैंपियंस है एंड ऐसे वाले वीडियोस में ना मैं चाहकर भी जो है वीडियो को शॉर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये वाली फाइट थोड़ी बहुत ट्रिकी हो सकती है, आपको एक या दो जगह पे प्रॉब्लमेटिक कर हो सकती है, तो इसी की वजह से मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको फास्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि फिर पॉइंट ही नहीं रहेगा ये वीडियो बनाने का। अगर मैं वीडियो बहुत ही फास्ट कर दूँ तो जस्ट डायरेक्टली मैं आपको जो है बॉस वाली फाइट दिखा दूँ कि भाई बॉस तक पहुँचो एंड देन फिर खुद फाइट कर लो, तो वैसा नहीं हो पाएगा। एंड जस्ट मेरे को फिर जो है फाइट अगर ये बहुत ही स्लो चलती है ना तो जस्ट चलाना पड़ता है। लेकिन ह्यूमन टॉर्च वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन एग्जांपल रहेगा, अगर आपको दूसरे अल्टरनेट लेके जाने हो ना ह्यूमन टॉर्च के, तो आप लेके जा सकते हो वॉइड या तो फिर जो है स्पाइडर हैम भी लेके जा सकते हैं, एंड देन फिर यहाँ पर स्कॉर्पियन को भी लेके जा सकते हो, क्योंकि ये तो जो लास्ट के 2 चैंपियन मैंने बताया ना स्पाइडर हैम एंड स्कॉर्पियन,
तो वो मेनली सारा का सारा डैमेज कहाँ से करते हैं, वो अपने पावर स्टिंग वाले डिबफ्स के थ्रू करते हैं। मतलब कि वो पावर स्टिंग वाले डिबफ अप्लाई करते हैं एंड देन फिर सामने वाला अपोनेंट जैसे ही अपने स्पेशल अटैक लॉन्च करेगा एंड उससे बर्स्ट ऑफ डैमेज लेगा। तो टेक्निकली तो आपने हिट नहीं किया इतना बड़ा डैमेज कैप, ठीक है, तो आप डेफिनेटली रेज वाले नोड को इग्नोर कर सकते हैं एंड देन फिर बहुत सारा अटैक यूज़ करोगे। यहाँ पर मैं पता नहीं सेबर टूथ की हीलिंग रिवर्स हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि देख सकते हो उसके पास 16 से 18 जो है वो क्या कहते हैं हीलिंग वाले चार्जेस है, पैसिव है, बट स्टिल मेरे को कहीं पर भी ऐसा दिख नहीं रहा है कि भाई उसकी हीलिंग जो है रिवर्स हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जिस टाइम पे मैं एक्चुअली फाइट कर रहा था ना, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत मेरा ध्यान बार बार उधर जा रहा था कि भाई मेरा एक्चुअली हीलिंग रिवर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आगे जो वुल्वरिन वाली फाइट थी वो भी मेरे को बहुत जो है स्लो लगी, क्योंकि वुल्वरिन तो वैसे भी हीलिंग ट्रिगर ही नहीं कर रहा था। एंड सेकंड चीज़ की यहाँ पर सेबर टूथ वाली फाइट में भी मेरे को हीलिंग पता नहीं अभी वो रिवर्स हो रही थी कि नहीं, क्योंकि अगर हो रही थी तो फाइट डेफिनेटली इसी हो मतलब जल्दी से ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं उसको अटैक भी कर रहा हूँ एंड सेकेंड चीज़ की वो अगर अटैक लेता भी है तो तुरंत ही जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है उसके हील रिवर्स के अंदर, तो वो एक है। एंड नेक्स्ट फिर ये ओवरसील वाली फाइट है, बट अगेन ओवरसील वाली फाइट भी इतनी दिक्कत देगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने ओवरसील को, अगर शायद आपने इटर्निटी ऑफ पेन खेला हो तो मालूम रहेगा कि ओवरसील जो है ऑटो ब्लॉक कर सकता है, बट लकीली ये वाले नोड्स में ऐसा नहीं है कि भाई ओवरसील ऑटो ब्लॉक करे एंड देन फिर आपको जो है वो पैर स्टन डिबफ अप्लाई करे, जिसका डेफिनेटली आप फ़ायदा उठा सकते हो, बट वो आपको काउंटर अटैक कर सकता है अगर उसकी इच्छा हो तो। एंड मेरे ख्याल से वो डेफिनेटली करेगा, अगर अपोनेंट अग्रेसिव है तो डेफिनेटली उसके पास ऑप्शन है कि वो ऐसा कर सकता है। बट अगेन निक फ्यूरी वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है, इसके जगह पे मैसेकर है वो भी एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बट टेक्निकली देखा जाए तो मेरे को स्किल चैंपियन में ज़्यादा ऑप्शंस दिखे नहीं जो एक्चुअली बहुत सारा डैमेज डिबफ अप्लाई कर सकते हैं। एक या दो दिखे जैसे कि मोलमैन हो गया, बट अगेन मोलमैन के किस्म क्या है कि वो बहुत बड़े क्रिटिकल हिट्स कर सकता है, तो उसकी जगह पे आप एल्सा ब्लडस्टोन भी लेके जा सकते हो। एंड देन फिर यहाँ पर ग्वेनपूल है, पता नहीं अगर आपके पास है कि नहीं। एंड देन फिर यहाँ पर ब्लैक कैट है, अभी ब्लैक कैट जो है मेरे को डेफिनेटली ट्राई करके देखनी थी बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास है नहीं तो हम लोग जो है ट्राई नहीं कर पाएंगे। बट या उसके अलावा ब्लैक विडो डेडली ओरिजिन जो है वो भी काम कर सकती है, क्योंकि वो पैसिव शॉक डिबफ्स अप्लाई करती है जैसे ही सामने वाला अपोनेंट अपना स्पेशल अटैक यूज़ करे या तो फिर आप उसको जो हैवी अटैक से बेट करो तो। बट अगेन मेरे ख्याल से उसकी जगह पे मैं निक फ्यूरी यूज़ करूँ तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि मेरा निक फ्यूरी जो है 6R रैंक 3 है, फाइट जल्दी से इजी हो जाएंगी, उसके पास 2 हेल्थ है वगैरह वगैरह एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं उसकी एडवांटेजेस है, तो वो वाले। एंड डेफिनेटली इस वाले पॉइंट पे ना मेरे को जो है बहुत ज़्यादा जो है 6R रैंक 3 वाले चैंपियंस चाहिए। एंड दिक्कत ये है कि मेरे को जस्ट अभी एक या दो दिन में जो है हम लोग मेरे पास जितने भी 6 स्टार शार्ड्स है उनको डेफिनेटली सारे के सारे एक ही बार में ओपन करेंगे, क्योंकि 7 स्टार शार्ड जो है लाइव आ जाएंगे एंड जैसे ही लाइव आ जाएंगे तो मैं क्रिस्टल ओपनिंग कर दूंगा तुरंत ही। एंड देन फिर मैं ट्राई कराऊँ कि उसके पहले जो है सारे के सारे वीडियोस जो है फिनिश कर दूँ, जिसकी वजह से एक्ट 8.1 का जो कम्प्लीशन वाला रिवॉर्ड्स है वो भी मेरे को मिल जाए, तो एक ही बार में हम लोग को मतलब एक ही पत्थर से 2 चिड़िया उड़ा दें सो वो एक रहेगा। बट एनीवेज एट दी एंड लकीली हम लोग जो है फाइनली बॉस तक पहुँच चुके हैं, बहुत लंबी फाइट्स थी बट अगेन या इस बार फिर जो है बॉस थोड़ी बहुत ईजी है, जो कि हम लोग चूज़ करेंगे यहाँ पर क्या कहते हैं मिस्टर सिनिस्टर को। एंड मिस्टर सिनिस्टर क्या है कि उसके ऊपर बहुत सारे टेक्निकल नोट्स है, जैसे कि विगरेस असॉल्ट है, टेक एसेंडेंसी है, रिटर्न पॉलिसी है एंड देन फिर टेक्निकल सेपरेशन है, आर्क ओवरलोड है। आर्क ओवरलोड क्या करेगा कि भाई जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है ना तो वो उसके पास एक आर्मर बफ रहेगा एंड एक रीजनरेशन बफ, ठीक है, तो वो टैग प्रॉब्लम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक विगरेस असॉल्ट वाला नोड है, कि मतलब जब तक कि सामने वाला अपोनेंट मतलब कि यहाँ पर मिस्टर सिनिस्टर के पास भले ही वो रीजनरेशन पैसिव हो रीजनरेशन बफ हो, कहीं से भी अगर वो रीजनरेशन बफ या पैसिव होता है तो वो उस टाइम के लिए अनब्लॉकेबल रहेगा। और राइट उसके बाद है टेक एसेंडेंसी, मतलब बेसिकली टेक चैंपियंस को थोड़ा ज़्यादा डैमेज इंक्रीज मिलेगा। एंड देन फिर यहाँ पर है टेक्निकल सप्रेशन, कि अगर आप टेक चैंपियंस लेके जाते हो एंड टेक चैंपियंस के साथ आप स्पेशल अटैक लॉन्च करते हो तो यहाँ पर मिस्टर सिनिस्टर के ऊपर जो है हिली ब्लॉक वाला डीबफ अप्लाई होगा। बट इस पूरे के पूरे फाइट में जस्ट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डेफिनेटली हर बार हर टाइम पर जो है मिस्टर सिनिस्टर अनब्लॉकेबल रहेगा, क्योंकि जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है ध्यान से देखना यहाँ पर मैं निमरॉड लेके आया उसको डिफीट करने के लिए, क्योंकि निमरॉड के एबिलिटीज़ में क्या है कि वो अगर सामने वाले अपोनेंट के ऊपर हिट करेगा ना
तो रीजनरेशन बफ को हटा के उसको शॉक में कन्वर्ट कर सकता है। एंड जैसे ही वो ऐसा कर सकता है तो उसके ऊपर से वो रीजनरेशन पैसिव हट जाएगा, वो हील भी नहीं करेगा, एंड सेकेंड चीज़ वो अनब्लॉकेबल भी नहीं रहेगा। तो इस वाली फाइट में देखना, ऑलमोस्ट मेरी जो 50% हेल्थ जो है ना वो तुरंत ही गायब हो जाती है, जस्ट बिकॉज मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा कि वो कब अनब्लॉकेबल हो गया एंड कब नहीं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जिस टाइम पे क्या कहते हैं मिस्टर सिनिस्टर को फ्यूरी मिल रही है उस टाइम पे आपको उसको अटैक करना है, एटलीस्ट डायरेक्टली नहीं, तो अगर ब्लॉक पर भी अटैक करोगे ना तो तुरंत ही उसके ऊपर से वो जो रीजनरेशन पैसिव है वो हटा देगा, एंड देन फिर आप उसको नॉर्मली हिट कर पाओगे, पैरी कर पाओगे, जो भी आपका एक्चुअल डैमेज है वो इन्फ्लिक्ट कर पाओगे। एंड यहाँ पर देखते ही देखते पता नहीं कहीं से जो है मेरी ऑलमोस्ट 50% हेल्थ हो गई थी, एंड देन फिर अभी भी मिस्टर सिनिस्टर तो भाई 80-70% हेल्थ पर है। देन फिर मैंने सोचा कि भाई अभी मेरे को एक्चुअल डैमेज करना पड़ेगा। तो अगेन निमरॉड के साथ जस्ट आपको यही चीज़ करनी है कि भाई SP1 एंड देन फिर SP2 अगेन निमरॉड के साथ मेक श्योर करना कि आप जिस टाइम पे भी अपना स्पेशल अटैक यूज़ कर रहे हो तो आपके दोनों के दोनों चार्जेस जो है अवेलेबल है, मतलब कि इराडिकेट मोड एंड देन फिर टाइटन मोड, तो ये दोनों के दोनों एक्टिवेट है, जिसकी वजह से आप ये पर्पल वाले फेज में एंटर कर जाओगे, एंड देन फिर आप जो है उसके ऊपर से वो जो रीजनरेशन पैसिव है वो तुरंत ही हटा सकते हो या तो फिर नलीफाई कर सकते हो। एंड अगेन मेक श्योर थोड़ा करना कि भाई मिस्टर सिनिस्टर का ये जो ग्रे कलर का टाइमर है जिसकी वजह से उसको ये मिल रहा है कि भाई तुरंत ही नेक्स्ट वाला जो अनब्लॉकेबल फेज़ है वो कब एक्टिवेट होने वाला है कब नहीं, ठीक है, तो जस्ट उस टाइम पे थोड़ा बहुत वेट कर लेना। स्टिल यहाँ पर मैं लकीली जैसे कि मैंने बताया था कि भाई इवेट चार्ज लेके गया था मैं निक फ्यूरी एंड इवेट सिनर्जी, तो वो मेरे को थोड़ी बहुत एक दो जगहों पे बचाती है। एंड अगेन आपको इसको डिफीट करने के लिए कोई भी टेक चैंपियंस लेके जा सकते हो, जस्ट आपको अनब्लॉकेबल का ध्यान रखना है कि भाई वो अनब्लॉकेबल ना हो जाए कहीं पर भी जाके, एंड देन फिर आप उससे मार ना खा लो। तो जैसे चैंपियंस जैसे कि वॉरलॉक हो गया, ओमेगा सेंटिनल हो गया, घोस्ट हो गई, तो घोस्ट भी काम कर सकती है क्योंकि आपके स्पेशल अटैक जो है डायरेक्टली सामने वाले अपोनेंट को हील ब्लॉक तो करने ही वाला है, एंड देन फिर घोस्ट फेस कर पाएगी तो आपको अनब्लॉकेबल की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो यार डेफिनेटली आप घोस्ट भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही रेयर ओकेजन्स में आप एक्चुअली घोस्ट को यूज़ कर सकते हो मिस्टर सिनिस्टर को डिफीट करने के लिए। तो वैसे तो बहुत सारे चैंपियंस हैं टेक क्लास में जिनको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर सिविल वॉरियर है, एंड देन सिविल वॉरियर तो नहीं बट कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन है, एंड देन फिर आयरन मैन है, आयरन डूम है, तो वैसे वाले चैंपियंस भी डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हो। एंड देन फिर अगर लेके जाना हो तो यहाँ पर आप वॉर मशीन की प्रीफाइट भी लगा सकते हो जस्ट अगर ज़रूरत पड़े तो, बट एट दी एंड हम लोगों ने फाइट बहुत ही इजीली फिनिश ऑफ कर दी। स्टार्टिंग में जस्ट मेरे को थोड़ा बहुत डैमेज लेना पड़ा कि भाई समझने के लिए कि भाई टाइमिंग कैसी है कैसी नहीं, एंड या ऐसा करके हम लोगों ने जो ये वाला क्वेस्ट भी फिनिश ऑफ कर लिया। तो या गाइस इतना सा था ये वीडियो, एंड होपफुली अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।